हेलो वेलकम फ्रेंड्स। कभी कभी आप सेल्स वाउचर में एंट्री पास करते हैं और टैली प्राइम में जब भी आप सेल्स वाउचर में एंट्री पास करने जाएंगे तो सिनेरियो जो है कभी कभी ऐसा मिलता है। देखिएगा जरा यहाँ पर, ये अभी हम पेमेंट वाउचर में सेल्स वाउचर में जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, शॉर्टकट की F8। तो F8 प्रेस करते ही आप ऐसे आएंगे, यहाँ पर देखिए ये आ गए, ये सेल्स वाउचर है। तो यहाँ पर तो अभी आपको नेम ऑफ आइटम नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये नेम ऑफ आइटम बदल जाता है पर्टिकुलर, तो आपको यहाँ पर्टिकुलर नजर आना शुरू हो जाता है। और ऐसे में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको होगी परेशानी, क्योंकि आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इसे चेंज कैसे करना है, दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको या तो आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आइटम इनवॉइस मोड में टैली ERP9 में जाने के लिए ऑल्ट के साथ आई है, क्या है, ऑल्ट के साथ आई प्रेस करना है, तो आप आइटम इनवॉइस मोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ आई प्रेस करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको साइड में ये पट्टी सी दिख रही है, यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो देखिए ये नीचे आने पर ये देखिए ये अकाउंटिंग इनवॉइस है, तो अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा पर्टिकुलर, और जब आइटम इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये वापस से नेम ऑफ आइटम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की दिक्कत आपको भी आ रही है तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। ओके,